दोस्तों कल एसएससी ने अपनी आंसर की जारी कर दी थी, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 की। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर मेरे इतने नंबर है, 146 नंबर है, 135 नंबर है, 138 नंबर है, सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया था सो दैट कि आप लोग का यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे जो वो करा जा रहा है एकदम बिल्कुल वो करेक्ट है। एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, कि हाँ अगर आप इतने लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन, या फिर आपका जो सिलेक्शन है टीयर 1 में वो हो सकता है टीयर 2 के लिए। ओके, अब आपका यहाँ पे मेंस होना है ना, ये आपको पता है कितने नंबर आपको लाने यहाँ पे जरूरी है। और उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैंने रिसर्च करी है अभी तक, जितने भी मैंने इधर उधर देखा है, या फिर जितने भी मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी जाएगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, किसी का यहाँ पे आएगा उसमें, किसी का यहाँ पे नहीं आएगा, किसी को लगेगा कि नहीं गलत है सही है, तो कोई बात नहीं, आप अपने विचार रखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप रख सकते हैं, बस गलत नहीं बोलना है, ये चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान देना है। टोटल पोस्ट कितनी है भाई, है ना, 17,727 में भी घट बढ़ सकती है। टोटल जो फॉर्म है वो कितने भरे गए, तो 36.73 लाख लोगों ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है। टोटल जो यहाँ पे शिफ्ट थी, ये आपको पता है 36 शिफ्टों में ये पेपर हुआ है ना, तो 9 से लेकर 26 सितंबर तक ये पेपर हुआ था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको पता है ना, तो ये 9 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक आपका पेपर यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि आपको पिछले बार की कट ऑफ भी देखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ, जो मैंने ये चार्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, पिछली जो वैकेंसीज है उन सभी का यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिकली, ये 2023 नहीं होगा, ये यहाँ पे 2024 होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसको अलग करना है, ठीक है, ये 2024 है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है, ये आ गया आपका 9 से 26 सितंबर के बीच में आपका पेपर हुआ था, 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था। देखो कोई शिफ्ट हार्ड आई होगी, कोई शिफ्ट ईजी होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई शिफ्ट बहुत ही ईजी है, कोई शिफ्ट बहुत ही हार्ड है। ठीक है, होता है कि किसी शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल आ गए, 2 सवाल आ गए, और वो आ गए तो वो हार्ड आ गए। ठीक है, कुछ डीआई का क्वेश्चन आ गया तो बहुत हार्ड आ गए, कैलकुलेटिव आ गया, सिंप्लीफिकेशन का आया तो वो भी काफ़ी कैलकुलेटिव आ गया, तो ये सब होता है, लेकिन फ़ायदा ही मिलता है ना। नॉर्मलाइजेशन अगर आपके उसमें आएगा तो, जो मैं ये कट ऑफ आपको बताऊंगा ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन वाली नहीं है कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपको कितना होना चाहिए। तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा दैट इज द कट ऑफ फॉर कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये हो गया आपकी टोटल पोस्ट, टोटल फॉर्म, टोटल शिफ्ट, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 9 से 26 के बीच में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2020 में 7,108 वैकेंसी थी, डबल एओ की पोस्ट के लिए हमेशा सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, यूआर की 167 थी, ईडब्ल्यूएस की 164, ओबीसी की 161, एससी की 145, एसटी की 140, जेएसओ की जाती सबसे फिर उसके ज्यादा, यूआर के लिए 153, ईडब्ल्यूएस के लिए 146, ओबीसी के लिए 147, एससी के लिए 124, एसटी के लिए 122, अदर पोस्ट जिसमें आपका सीबीआई का जो इंस्पेक्टर है, एसआई है, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, बाकी जितनी भी पोस्ट है बीआरओ में, यूडीसी, उन सभी पोस्टों के लिए ये वाली कट ऑफ जाती है, यूआर के लिए 132, ईडब्ल्यूएस के लिए 109, ओबीसी के लिए 119, एससी के लिए 100, एसटी के लिए 93। समझ में आ गया, ये आपका 2020 की कट ऑफ है, प्री की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2021 में डबल एओ की वैकेंसी के लिए यूआर की जो गई थी 159, ओके, ईडब्ल्यूएस की 156, देख रहे हो कितनी हाई कट ऑफ है, 200 में से ही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 156, ओबीसी की 153, एससी की 136, एसटी की 131, ये किसकी है, डबल एओ की है, जेएसओ की, जेएसओ के लिए यूआर की 162, ईडब्ल्यूएस की 162, सेम गई थी दोनों में, कोई दिक्कत नहीं आई थी, और ओबीसी की भी सेम गई है, एससी की 139, एसटी की 125, अदर पोस्ट को, पोस्ट के लिए यूआर की 130 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 109, ओबीसी की 117.87, एससी की 94.58, एसटी की 81, ये आपकी अदर पोस्ट के लिए, जो पर्टिकुलरली जो मैंने आपको अभी पोस्ट बताई थी। 2022 में अगर आप डबल एओ की पोस्ट का देखोगे तो 158 सबसे ज्यादा, तो अभी तक आप देख रहे हो वो 2023 में देखने को मिलेगी आपको आगे, तो 158, यूआर की 154, ईडब्ल्यूएस की 152, ओबीसी 137, एससी 131, एसटी, जेएसओ के लिए यूआर की तो इन्होंने दी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस का 169, ओबीसी का
67, SC का 150, ST का 150, ओके। और अदर पोस्ट के लिए 2000 अगर 22 में हम लोग देखते हैं तो 114 गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक जो SSC CGL में आई है वो 2022 में आई है, कोविड वाला टाइम, ये सब आपको पता होगा। इसमें इन्होंने बेसिकली सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी जोड़ दी थी, जो SSC CHSL से आती थी वो इन्होंने इसमें जोड़ दी और बोला कि SSC CGL में पोस्ट बढ़ा दी, ये आपको भी पता ही है, ओके। लेवल 4 की जॉब इन्होंने जोड़ दी सारी की सारी और यहाँ पे बोला कि ये SSC CGL की पोस्ट है। UR की 114 है, EWS की 102 है, OBC की 114.27, SC की 89 और ST की 77। आप देख रहे हो पोस्ट की कितनी कम गई है, कट ऑफ है ना, ये आप देख रहे हो। OBC की ज़्यादा गई है यानी कि EWS से, और 114 114 UR और OBC में ज़्यादा फर्क तो यहाँ पे नहीं आया था किसमें, 2022 में। ST की तो 89 चली गई, ST की तो और भी कम गई 2022 में, कोविड वाला टाइम था, 36,000 वैकेंसी थी। अब आएगा आपका 2023 में 8,415 वैकेंसी। UR की EOO में 1 लगभग 170, आप समझ सकते हो 200 में से 170, बेरोजगारी का आलम देखिए आप। EWS का 167, OBC का 166, SC का 154, ST का 148, JSO के लिए UR की 168, EWS का 166, OBC का 165, SC का 148, ST का 146। ये आपका JSO के लिए, अदर पोस्ट के लिए पिछले बार 150 गई थी 200 में से, तो मेरे हिसाब से 150 बहुत हाई कट ऑफ होती है यार, अगर 200 का पेपर है तो, है ना, 150 बहुत हाई होती है। अभी तक आप यहाँ पे देखो 150 कट ऑफ गई ही नहीं है। 2022 में 114 थी, 2021 में 130 थी, 2020 में 132 थी, तो 130-135 के समथिंग में ही रहना चाहिए, है ना। इस बार आपकी पोस्ट भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, समथिंग बढ़ गई है ना, 17,000 समथिंग पोस्ट है, तो मुझे लगता है कि ये इतने कट ऑफ तो नहीं जानी चाहिए, है ना। तो यू आर 150, OBC की 145, EWS की 143, SC की 126, ST की 118, ओके। ये आपका किसका हो गया, अदर पोस्ट के लिए हो गया 2023 में। तो 2023 में आपको बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिली थी अदर पोस्ट में जो आपने भरी है पर्टिकुलरली, जैसे तो ज़्यादातर लोग भरते नहीं है। तो अब हम देखते हैं 2024, 2024 का ये है, ठीक है। 2024 के लिए आप देख रहे हो 2024 में 17,727, 17,727 है भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 17,727। अब AO और JSO को हम लोग बाद में बात करेंगे, अदर पोस्ट की बात करेंगे जो नॉर्मल है। आपको बस ये याद रखना है कि आपको कितने लेके आने। मेरे हिसाब से अभी तक जो मुझे लगता है, ठीक है, UR के लिए 133 से मैं 3-3 नंबर का गैप रखूंगा, 136 एक सेफ स्कोर रहेगा। EWS के लिए ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 130 से 133 यहाँ पे आपका सेफ स्कोर रहेगा। OBC के लिए 130 से 133 आपका सेफ स्कोर रहेगा। SC के लिए 125 से 128 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहेगा। ST के लिए 120 से 123 आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रह सकता है। हालांकि ST और SC का इससे भी कम जा सकता है, ओके, इसमें तो मैं श्योर हूँ कि हाँ इससे भी कम जा सकता है, SC ST का कैटेगरी के वाइज से काफ़ी कम जाएगा। लेकिन UR का आप देख रहे हो बहुत बेरोजगारी है यार, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है ना। अब हम कितना भी कुछ कर ले फिर भी आपको पता है कि ज़्यादा कम कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि उनको 10 गुना 12 गुना बच्चे लेने होते हैं, है ना। तो 10 12 गुना उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेंगे वो, 15 गुना भी ले सकते हैं, 20 गुना भी ले सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है उन पे, ओके, ये बताते तो है नहीं। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। UR और EWS में थोड़ा फेरबदल आप देख सकते हो बाद में, ओके। कुछ इन्होंने अगर मान लीजिए थोड़ी हाई कट ऑफ चलेगी, पेपर ईजी मान लिया, अब मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि पेपर इजी था, कभी हार्ड था। पेपर जो बच्चा देके आया है उसे पता होता है पेपर कैसा है। अब जब हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, है ना, जब इंसान घर में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा होता है वो कंडीशन अलग होती है। पेपर हॉल में एग्जामिनेशन मोड में, ओके, एग्जाम जब आप दे रहे होते हो एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, क्वेश्चन टाइमिंग सामने चल रही होती है, टाइमिंग का प्रेशर अलग होता है कि टाइम खत्म ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एक इंसान के स्कोर पे। घर में बैठ के आप मॉक टेस्ट देते हो वो अलग सिनेरियो है, ओके, वहाँ पे आप माइंड आपका फ्री है, आपको पता है कि ये गलती अगर होगी मुझसे तो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा कर लूंगा। लेकिन जो आपका SSC CGL का रियल पेपर होता है वहाँ पे दूसरा चांस नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि वहाँ पे सेकंड चांस मिलता नहीं है, तो वहाँ का प्रेशर अलग होता है, ओके। आपके घर का जो प्रेशर है वहाँ पे बहुत कम होता है, तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं, ओके। बहुत से बच्चों का 140 अबव स्कोर है, 140 अबव वाले तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सेफ ही हैं, 140 अबव तो 100% सेफ है मेरे हिसाब से,
क्योंकि अगर जर्नल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी गई, चली गई मान लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई भी चली जाती है, कल के दिन मान लो 140 चली जाती है, तो फिर भी 140 अबव वाले सेफ है। क्योंकि मैं तो ये भी मानता हूँ कि 130 से अबव ही जाएगी कट ऑफ, है ना, 130 से अबव ही जाएगी यार, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, आपको भी पता है ना, सीट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़्यादा चली जाएगी, मतलब कम चली जाएगी। यूआर में आपको, जेएससी में आपको यहाँ पे वही 150 ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको यही 155 तक देखने को मिलेगा, डबल ईओ में 150 155 तक ही देखने को मिलेगा इसका भी, ठीक है। बाकी और आप कम कर सकते हो कैटेगरी वाइज ए डबल ईओ में, जेएसओ में, लेकिन ये जो अदर पोस्ट है जो सब लोग ज़्यादातर भरते हैं, उसकी जो मैं वैकेंसी यहाँ पे बता रहा हूँ, यूआर के लिए 133, है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपको 130 से 133 के बीच में, ओबीसी के लिए 130, वही सेम, ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, ज़्यादातर ज़्यादा एक दो नंबर का फर्क पड़ सकता है बस, एससी एसटी की कम जा सकती है और ज़्यादा, ठीक है। बाकी इन तीनों का तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बीच में रहेगी, बाकी कुछ ज़्यादा ही अगर ड्रास्टिक चेंज हो जाता है तब जाके कहीं 135 से अबव जाएगी, 137-138 जा सकती है जनरल की, ईडब्ल्यू ओबीसी की। अदरवाइज तो अगर वैकेंसी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था, ओके, तो इतना इसको लगभग लोग कर ले रहे हैं, ओके, 150-140 तक तो नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, ओके। वही चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी आपने मेंस की तैयारी में लग जाना है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको मेंस की तैयारी के लिए कैसे कैसे करना है। मेंस की तैयारी के लिए मैं कट ऑफ, यहाँ पर कट ऑफ तो आपको बता दी है, मेंस की तैयारी के लिए यहाँ पे आपके फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। फ्री मॉक टेस्ट से पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो एसएससी का, जो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है आपने 100%, ओके, 2023 का एसएससी सीजीएल का दोगे तभी समझ में आएगा कि पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस प्रकार से, पेपर दो, पेपर देने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, उस प्रकार से आप तैयारी कर पाओगे। लिंक नीचे है, अटेम्प्ट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको रिव्यू भी दिख जाएगा अपने पेपर का, अदरवाइज आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो वेब में भी, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, जिसका भी सही है, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो अपने कमेंट में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सबके लिए ओपन है, किसी के लिए बंद नहीं है, और कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मेरी आईडी है VIKRAMSIRPERS, पर्सनल वाला विक्रम सर पर्स, ये वाले में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी पर्सनल आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे है, जहाँ पे आपको मैं सबसे पहले जॉब के बारे में बता देता हूँ, हमारी वीडियोज आ जाती हैं, ओके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की वीडियो के लिए, मेंस के लिए भी मैं आपकी जीके की वीडियोस लेके आऊंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।